श्री विष्णु नारायण भगवान को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु नारायण भगवान को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आए जो एकादशी, उसी दिवस को कहते हैं सब निर्जला एकादशी। धर्मराज युधिष्ठर ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, निर्जला एकादशी बताओ नाम है किसने दिया। क्यों निर्जला एकादशी का व्रत, कैसे होती कृपा, ऐसा क्या है इस व्रत में हमको भी दीजिए बता। तभी वहां वेदों के रचयिता व्यास जी जा पहुंचे, कहा कृष्ण ने युधिष्ठर से इनसे प्रश्न पूछे। बोले श्री व्यास जी तुमको हम ये भेद बताते हैं, ये भेद बताते हैं। हे धर्मराज इस ज्ञान का तुमको बोध कराते हैं, हम बोध कराते हैं। व्यास जी वैसे तो हर एकादशी है महान, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष हो करो अन्न धन दान। जैसे पांडव एकादशी को भोजन करते त्याग, केवल भीम न व्रत करता उसे भूख की रहती आग। हाथ जोड़ कर भीम ने पूछा मार्ग दिखाओ मुझे, क्या मैं करूं के व्रत कर पाऊं आप बताओ मुझे। कहा व्यास जी ने हे भीम तुम ऐसा कर लो, केवल निर्जला एकादशी का तुम एक व्रत धर लो। ना अन्न न जल पीते जो भी ये नियम निभाते हैं, जो भी ये नियम निभाते हैं। श्री नारायण भगवान उसी पे कृपा लुटाते हैं, अपनी कृपा लुटाते हैं। निर्जला एकादशी को सूर्योदय से करो जल त्याग, द्वादशी को जल ना पीना जब तक ना सूर्य जाए जाग। करके फिर स्नान ब्राह्मणों को दो भोजन, पाप कर्म हो जाए दूर फिर तुमसे सोयोजन। ब्राह्मणों को करवा के भोजन फिर स्वयं खाना, निर्जला एकादशी के व्रत के फल को जो पाना। ऐसा करने से श्री विष्णु होते हैं प्रसन्न, श्री लक्ष्मी नारायण देते अपार अन्न और धन।
निर्जला का व्रत करके जो नारायण को ध्याते हैं, नारायण को ध्याते हैं, उसका विष्णु भगवान जी ये संसार सजाते हैं, संसार सजाते हैं। कृष्ण ने व्यास देव को कही थी भक्तों बात, निर्जला एकादशी सभी के लिए है एक सौगात, इस दिन व्रत कर पूजन करना बड़ा ही फलदाई, पाप नाशनी एकादशी ये ही तो मोक्षदाई, जन्म जन्म के पाप कटे मन पावे सुख चैना, निर्जला का व्रत धर्म कर्म का जैसे एक गहना, अंत काल में यम के उनको दर्स नहीं होते, निर्जला एकादशी के व्रत का पालन जो करते, श्री रघुवर नारायण जी जब प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ प्रसन्न हो जाते हैं, संसार के माया जाल से सबको मुक्त कराते हैं, सबको मुक्त कराते हैं। जिन्हें बांटा पांडवों को यह भी ज्ञान, निर्जला एकादशी के दिन तुम करो गाय का दान, पानी में जो गाय खड़ी हो और उसका हो दान, जन्मों का फल पुण्य बने दानी का बड़े जिमान, युगों युगों से ऐसा ही तो होता आया है, निर्जला का व्रत करके सबने सुख को पाया है, निर्जला एकादशी के दिन जल सबको भले बांटो, ध्यान रहे नहीं पीना है जल तुमको पहर आठों, मन में जो संकल्प किया जो उसे निभाते हैं, जो उसे निभाते हैं, श्री नारायण की आशीषें वैकुंठ को पाते हैं, वैकुंठ को पाते हैं। बरस में पूरी 24 आती एकादशी, हर एकादश के व्रत का फल देते रघुवंशी, अन पहले ब्राह्मण को देना करवाना भोजन, सबको बांटो अन्न धन खुश हो जाएगा मन, जो पहले दूजे को बांटे बाद में भोज करे, कृष्ण भक्त ऐसा हर युग में केवल मौज करे, एकादशी को विष्णु पूजन का पाए जो फल, उसके घर भंडार भरे पाए संपत्ति अचल, जो विष्णु चरण को धोकर मस्तक तिलक लगाते हैं, मस्तक तिलक लगाते हैं, वो स्वर्ग के मार्ग में अपना खाता खोल के आते हैं, खाता खोल के आते हैं।
दान भी निर्जला के दिन श्रेष्ठ है कहलाए। हर दानी श्री विष्णु जी के मन को है भाए। प्यासे रह कर हर प्राणी की जो है बुझाए प्यास, श्री हरि का ऐसा भगत रहता है मन के पास। मन में प्रेम भरा जिसके, उसके मन हरि का वास। प्राणी वो उत्तम कहलाए, भक्त बड़ा वो खास। कर से कर्म करो सुंदर, कर्म है विष्णु का वास। जाने कब आती जाती रुक जाएंगी ये श्वास। अपने जीवन को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत कर योगी हो जाते हैं, योगी हो जाते हैं। एकादश का अर्थ है ग्यारह अंक बहुत शुभ है। एकादशी की पूजा करने से मिलता सुख है। एक साल में आती है चौबीस एकादशियां, सबकी सब एकादशियां हैं हरि की मन बसियां। निर्जला एकादशी की व्रत पूजा है जरा कठिन, निर्जल रह कर बांटना जल होता है थोड़ा जटिल। लेकिन इसका फल मिलता जग जाते सोए भाग, कभी सताते ना भक्तों को दुख संताप के नाग। एकादशी व्रत करके हम सब कष्ट मिटाते हैं, हम सब कष्ट मिटाते हैं। निर्जला एकादशी की हम भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्रद्धा एक पूंजी है बहता जिसमें प्रेम का जल। व्रत है ईश्वर को पाने का माध्यम बहुत सरल। कठिन तपस्या करने से भी जो मिलता ना फल, निर्जला एकादशी के व्रत से होता है वो सफल। क्या तेरा क्या मेरा कुछ ना साथ में जाएगा, तेरी पूजा व्रत का फल ईश्वर से मिलाएगा। जो बांटेगा जग में उससे दुगना पाएगा। अंत काल जल थल में एक दिन तू मिल जाएगा। निर्जला के दिन प्यासों को जल जो भी पिलाते हैं, जल जो भी पिलाते हैं, वो अंत समय में कंठ में गंगा जल को पाते हैं, गंगा जल को पाते हैं। माटी की काया को पाकर क्यों है इतराना, पंच तत्व से बनी ये इसमें ही है मिल जाना। निर्जला एकादशी के व्रत से अहंकार जलता, जल जैसा निर्मल विचार हर दिल में है बहता। इस जग के पालनहारा श्री विष्णु का व्रत है,
श्री व्यास जी द्वारा कहा बहता यह अमृत है। निर्जला व्रत करने वाला कभी निर्लज ना होता, पुण्य की भावना रखने वाला पाप नहीं बोता, दुखों के काले बादल ना कभी उन्हें सताते हैं, ना कभी उन्हें सताते हैं। निर्जला का व्रत कर जो विष्णु को शीश नवाते हैं, जो शीश नवाते हैं। हर एक एकादशी को सच्चे मन से तुम ध्याओ, नेम से व्रत कर दान करो इच्छित फल को पाओ। यदि न कर पाओ सारे व्रत व्यास जी कहते हैं, निर्जला एकादशी के व्रत में सब फल मिलते हैं। जौ का दान भी गौ का दान भी दान करो अंजल, जन्मों के सब कष्ट मिटेंगे मिलेगा सुंदर फल। विष्णु का स्वरूप बसा हर एक एकादशी में, जैसे कृष्ण के प्राण बसे हैं उनकी बंसी में। कहते हैं नारायण जाने किस रूप में आते हैं, वो किस रूप में आते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी कर व्रत, यह व्रत तो कहलाता है श्री वेद व्यास जी कृत। निसंतान जो कोई पाता है वो संतान, मूर्ख पाता है बुद्धि, अज्ञानी पाए ज्ञान। उस घर ना कोई दुखी, एकादशी व्रत है जहां, चिंता भागे उस घर से कोई बाधा नहीं वहां। निर्जला एकादशी का व्रत कर वैकुंठ जाए, नरक के द्वार के ना हो दर्शन स्वर्ग ही हम पाए। जो सच्चे मन से निर्जला व्रत का नियम निभाते हैं, जो नियम निभाते हैं, वो नारायण के किसी भी रूप में दर्शन पाते हैं, वो दर्शन पाते हैं।